अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। के 73 सालों के दरमियान में देश के लिए सबसे खतरनाक कानून, देश के लिए काला कानून, देश में अंग्रेजों के चाल चलन की तरह देश के लिए दमनकारी कानून, नागरिकता संशोधन एक्ट 2019, एनआरसी एवं एनपीआर के विरुद्ध चल रहे देशव्यापी आंदोलन के दरमियान में प्रखंड कोचाधामन की ओर से एमआईएम परिवार की ओर से आयोजित इस आक्रोश जनसभा गम गुस्से की महफिल के सदर बाबाकार हमारे प्रखंड कोचाधामन के एमआईएम के अध्यक्ष जनाबे भाई राहत साहब, आज के इस महफिल के ऑर्गेनाइजर हमारे जिम्मेदार साथी और भाई जनाबे अलहाज इजहार असफी साहब, मुखिया संघ के अध्यक्ष हिबला जफर असलम साहब, आज के महफिल की निजामत कर रहे जनाब भाई अब्दुल कय्यूम साहब, अदिति शुएब बाबू और यहाँ पर मौजूद सभी पंचायत से आए हुए मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, नौजवानों, अजीजों, किसान और मजदूर भाइयों, पत्रकार बंधुओं और मेरे इस कारोबार में शामिल जनाब हाफिज महरूर साहब और यहाँ पर मौजूद सभी इनकलाबी नौजवान, इस वक्त पूरे देश में गम और गुस्से का और आंदोलन का जो रूप तैयार हो गया है इससे आप आगाह हैं और उस सिलसिले में हकीकत हाल क्या है इससे बहुत सारे लोगों को वाकफियत नहीं है। आपको मालूम होगा कि इस महीने के 90 तारीख में हिंदुस्तान के उस काला कानून के बिल को, जिसको कैद कहा जाता था, उसको पार्लियामेंट के लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में जब बहस छिड़ी तो किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं हुई कि इस काले कानून के खिलाफ वो बात कहे जिनको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम राजनीतिक दलों को जो लोग आज इस काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से और पूरा हिंदुस्तान अगर अव्वलीन तौर पर किसी को मुबारकबाद देता है तो लोकसभा के अंदर में जिसने बिल को चाक चाक करके सुनवाई को शुरू किया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लड़ाई को वही मोदी और अमित शाह के आंखों के सामने में शुरू किया और जालिम हुक्मरान के सामने में कल में हक पेश करना हमारे वलमा का पुराना शेवा रहा है, अपने माजी के विरासत को बैरिस्टर असदुद्दीन ने पेश किया। मेरे भाइयों, ये इलाका हमारा सीमांचल का इलाका, किशनगंज में जहां 70% लोग माइनॉरिटी के हैं और 25% लोग जहां दलित और पिछड़े हैं, यानी 95% लोग इस कानून के खिलाफ है और इस कानून के खिलाफ है। यही वजह है कि आज गली गली, टोला टोला, मोहल्ला, बाजार, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इस बिल का विरोध नहीं किया जा रहा है। और एमआईएम बिहार में जब हमारे नेता ने पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा में बिल को फाड़ा, मैं उसको झारखंड में था इलेक्शन में, मैंने अपने लोगों को खबर दी कि हमें सड़क पर उतरना चाहिए, तो पूरे बिहार में भी सबसे पहले उस बिल को जलाकर सड़क पर उतरने का काम किसी ने किया तो आप तमाम तो एमआईएम के लोगों ने किया। आपने प्रवक्ता ने भी बिल को जलाया, सुलखा ने भी जलाया और किशनगंज में भी जलाया, पूरे कोचाधामन के क्षेत्र में यह लड़ाई पहले शुरू हुई। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जिसको हम राजनीति का रंगा और बिल्ला कहते हैं, ये जब से देश की गद्दी पर बैठा है देश को उतल फुतल करके रखा। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 2002 के दरमियान में गुजरात को जलाया था। गुजरात के खूनी वाके से आप वाकिफ हैं कि गुजरात में मां बहनों के साथ क्या जुर्म हुआ,
नौजवानों के सीने पर किस तरह गोलियां चलाई गई, बूढ़े बाप के सामने में किस तरह उसके बेटों के गर्दन पर तलवार चलाई गई, पूरी दुनिया सिसक उठी थी। हालांकि इस जालिमाना कार्रवाई के नतीजे में उस वक्त का प्रधानमंत्री और बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सीने में भी इंसानियत जग उठी और उसको